हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रतिभा। मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट छोले की रेसिपी। और आप इन छोले को जब भी कभी भटूरे बनाइएगा तो उसके साथ इस तरह से छोले ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और आपको इनका टेस्ट बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। छोले बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में 5 से 6 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालना है। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं वो डाल सकते हैं। 2 तेज़पत्ता, 1 टुकड़ा जावित्री का, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटी इलायची और 1 टुकड़ा हमने दालचीनी का डाला हुआ है। इसके साथ साथ हम इसमें 3-4 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। तो मैंने यहाँ पर तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी है, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और प्याज डालेंगे। तो हमने यहाँ पर लगभग 10 से 15 कलियाँ लहसुन था और 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, जिन्हें बिल्कुल फाइनली चॉप करके डाला है। आप चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप छोले बनाएं इस तरीके से तो आप बिल्कुल बारीक बारीक काट कर ही डालें। अब हमें इसे हल्का सा सुनहरा होने तक भूनना है। तो हम इसे मीडियम फ्लेम में प्याज को अच्छे से पकाएंगे। प्याज जितना धीरे धीरे अच्छे से पकेगा उतना ही अच्छे टेस्ट आएगा छोलों का। तो देखिए, गैस का फ्लेम हमने मीडियम कर दिया हुआ है और मीडियम फ्लेम में हमारी प्याज अच्छे से पक रही है। अब आप देख सकते हैं कि जो प्याज का कलर है वो अच्छे से चेंज हो गया है, डार्क कलर हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। यहाँ पर हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हुए थे, जिनको हमने मिक्सी में पीस कर डाला हुआ है। तो देखिए, अब हमें टमाटर को अच्छे से भूनना है। तब तक भूनना है कि जब तक टमाटर से तेल अलग ना होने लगे ग्रेवी से। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा किचन किंग मसाला, जिससे इस जो छोले का जो खुशबू आएगी ना वो बहुत ही लाजवाब होगी। साथ ही साथ 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें डाला हुआ है छोले मसाला। आप छोले मसाला ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट छोले का बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए, मसालों को अच्छे से भूनने के लिए थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे, जिससे मसाले अच्छे से भून जाएंगे। अगर आप ज़्यादा तेल डालते हैं तो आप इसे बिना पानी के भी भून सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसे ढक कर के पकाएंगे, अच्छे से पकाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मसाला है वो तेल छोड़ने लगा है, अच्छे से पक गया है। तो अब हमने यहाँ पर ये छोले लिए हुए हैं, तो ये लगभग 200 ग्राम के जितने छोले थे, जिसे हमने ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ था। इसके बाद थोड़ी सी चाय की पत्ती की पोटली डाल करके हमने इन्हें 3 से 4 सीटी आने तक पका लिया हुआ है। तो देखिए, छोले डाल के हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसका जो पानी है चने का, उन्हें फेंकना नहीं है, क्योंकि उसमें जो चाय की पत्ती का फ्लेवर होता है उससे इस छोले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो उसे बिल्कुल भी ना फेंकें, क्योंकि ग्रेवी बनाने के लिए हम उसका ही इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से मसाले के साथ मिक्स करने के बाद हम इसे कम से कम 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से भूनेंगे। तो देखिए, हमने अच्छे से भून लिया हुआ है। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो छोले का पानी है, जिसे हमने जब उबालते टाइम इसमें पानी डाला था वो डाल देंगे। और चाय पत्ती की डालने की वजह से इस तरह से छोले बनाने से इनका कलर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा पानी हम इसमें और डालेंगे, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी अभी पतली करनी है। तो ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला हुआ है। साथ ही साथ अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक ध्यान से डालें, क्योंकि हमने जब चने उबाले थे तब भी हमने थोड़ा सा नमक डाला हुआ था। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसे ढककर पकाएंगे लगभग 5 से 6 मिनट तक के। इधर हमने थोड़ी सी इमली ली हुई है, इमली को हमने गर्म पानी में रखा हुआ है, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा इमली का पानी डालेंगे तो इसमें जो खटास आएगी वो बहुत ही ज़्यादा छोले का एकदम से टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। ये एकदम भटूरे के साथ खाने वाले छोले बनेंगे। तो देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा इमली का पानी डाल देंगे। तो खट्टा आप अपने हिसाब से थोड़ा सा चक्कर या कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। लास्ट में हम इसमें 1 बड़ा चम्मच भर करके फिर से छोला मसाला डालेंगे। तो आप इस तरीके से छोले ज़रूर बनाइएगा, आपके भी छोले बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे।
मिला देंगे और 4 से 5 मिनट तक इसे हम ऐसे ही खुले में पकाएंगे। इसके बाद हमने इसमें डाल दिया हुआ है बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अब आप देख सकते हैं इनकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। हमने गैस बंद कर दी हुई है, अब हम इन्हें एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। आप इन गर्मा गर्म छोलों को गर्मा गर्म भटूरे के साथ सर्व कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।